अरे यार सिंचन बता यार मेरी गाड़ी कैसी लग रही है। सुमित भैया तुम्हारी तरह बिल्कुल खटारा है। अब यार इतनी तो मस्त गाड़ी यार गाइस, आप लोग बताना कैसी लग रही मेरी गाड़ी। सुमित भैया आज कहाँ जा रहे हम। अब यार आज यार मैं ट्रेवर के घर जा रहा हूँ। सुमित भैया क्यों। अब यार उसने ब्रेड पकौड़े बनाए यार, उसने कहा यार खा के जाइयो जरूर। सुमित भैया मैं भी खाऊंगा ब्रेड पकौड़े, तो प्लीज मेरे को भी लेके चलो ना। अब जब ही तो तेरे को लेके आया हूँ, नहीं लेके जाऊंगा तो क्यों लेके आता। सुमित भैया जल्दी चलो। तो यार तू बात तो सही कह रहा है यार सिंचन, अपा को जल्दी जाना है वहां पर। तो यार एक काम करता हूँ गाइस, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा, मेरे को जाना है यहाँ पर एयरपोर्ट के पास, तो मतलब अगर मैं रोड जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट हम बिल्कुल शॉर्टकट से बिल्कुल ऐसे जाएं तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। सुमित भाई एक काम करो, ये पहाड़ इनके ऊपर चढ़ा दो गाड़ी एकदम। सिंचन तेरी बात में दम है, चल यार अपन यहाँ से डायरेक्ट अपन पहाड़ों पे से चलते हैं, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाते और यहाँ से चलते जल्दी से। चल यार सिंचन चलते यार, बहुत ज्यादा देर आ रही है यहाँ पर, देख यार काफी दूर आ चुके वैसे भी अपा यार सिटी से। सुमित भाई सही कह रहे हो। अब यार सिंचन ये बारिश क्यों शुरू हो गई यार, हमेशा उल्टे जगह पर बारिश क्यों शुरू हो जाती है। सुमित भाई कुछ नहीं होगा, हम गाड़ी के अंदर है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो बात तो तेरी सही है यार सिंचन। सुमित भाई चलो यहाँ से। ओहो यार सिंचन, सुमित भाई क्या हो गया। अबे यार गाड़ी फंस गई यार यहाँ पर। सुमित भैया कैसे। अबे भाई कीचड़ है यहाँ पर, फंस गई गाड़ी यार। ओ शिट यार, अब यहाँ पर कहाँ जाए यार, यहाँ पर कोई जगह भी नहीं दिख रही जाने के लिए। सुमित भैया चलो यार यहीं पर कोई जगह होगी, वहां चलते हैं। अबे यार गाड़ी के टायर फंस गए यार, मट्टी के अंदर निकल भी नहीं रहे। अब यार इतनी ज्यादा कीचड़ हो रही है यार, कहीं पर रुकना पड़ेगा यार सिंचन अपा को। सुमित भैया सही कह रहे हो ना, अपा को जुकाम हो जाएगा। बात तो तेरी सही है। मुझे चूसने का शौक नहीं, चूसता हूँ ठरक बुझाने को। सुमित भैया ये कौन है, कौन ठरकी बाबा बैठा है यहाँ पर। सिंचन मुझे नहीं पता कौन है यार। सुमित भैया ऊपर ये क्या चमक रहा है भाई, ऊपर कोई गुफा लग और कोई बंदा बैठा है यार वहाँ पर, चला दो ऊपर चलते हैं जल्दी से, क्या पर पापा को यार मदद मिल जाए उससे। सुमित भाई सही कह रहे हो, ऊपर चलो जल्दी सी। ओके भाई साहब, ओ भाई बाबा क्या कर रहे हो यहाँ पर। बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे यार बाबा यार क्या बताऊँ यार, बहुत तेज बारिश आ रही यार, मतलब भीग गए बिल्कुल, ऐसा डिप भीग गई हमारी। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे घर में रुक जाओ। बाबा बिल्कुल मौज कर दी यार, हम तो बिल्कुल तगड़े आदमी हूँ। अरे बेटा पौवा भी है मेरे पास, पौवा पीवेगा। ओके अब कुछ ना बाबा, और कुछ तो ना चाहिए। थैंक्स यार तुमने हमारी मौज कर दी बिल्कुल। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझो, आओ भीतर आओ। सुमित भैया ये ठरकी बाबा की कैसे खाट कैसे चमक रही है, ठरकी बाबा की। अब यार मुझे खुद नहीं पता बाबा तेरी खाट कैसे चमक रही है। बेटा ये सब मौज है बिल्कुल। बेटी बाहर आ जा, माल आयो खाने खातर। है क्या खाने खातर। बेटा कहने का मतलब मेहमान आए उनको खाना खवा दो। अबे अंकल बाबा ढंग से बोले यार हमको, यार ऐसे डरा क्यों रहे बाबा। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, देखो बाबा बहुत दूर है सिटी। अब बेटा जब तक बारिश बंद ना हो तब तक भीतर रह लो। अब बेटा इन्हें भीतर ले जाओ। अच्छा ये आपकी बेटी है क्या। हाँ हाँ बेटा ये मेरी बेटी है। बाबा यार ऐसी बेटी तुम्हारी कहाँ से होगी, तुम कैसे बेटी कैसी तुम्हारी। कोई दिक्कत है क्या। ओह मैडम साहब जी आप तो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। पापा तुम्हारा अंदर जाने का टाइम हो गया। अब बेटी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लेके हमें। सुमित भैया तुम यहीं पे रुकना, मैं थोड़ी देर में टॉयलेट होके आता हूँ। क्या करूँ यहाँ पर एक लेडीज है ना, मैं थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करके आता हूँ, दो मिनट में आया। हाँ ठीक है सिंचन तू टॉयलेट हो। ओके यार वो बाबा कहाँ गए, यहाँ पर बाबा खड़ा था यार। वो भाई, अरे यार वो बाबा जी कहाँ गए, वो बाबा जी खड़े थे। फ्रैंकलिन। वो भाई यहाँ पे डांस क्यों कर रही है यहाँ पर। अरे यार इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। अंदर जाओ फ्रैंकलिन। गाइस लड़की के भिड़ने के बाद मुझे नहीं पता क्या नशा हो रहा है, पर मैं खुद को ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। अब मेरे असली रूप दिखाने का वक्त आ चुका है, अब मेरा असली रूप देखो। अब उस इंसान को मार के खाया जाए। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। इतने दिनों बाद महट्टा कट्टा इंसान खाने को मिला है, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। चलो इसको अपने साथी के पास ले आया जाए। मेरे साथी ने भी काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आ रहा हूँ मेरे साथी, साथ में मिलके खाएंगे इस इंसान को। काफी दिनों बाद भूख मिटी है, पेट में मजा आ गया, अब खाएंगा मैं। गाइस यार बस मजे ही आ गए, मैंने इस पेड़ के अंदर पानी दे दिया और मैंने भी सहयोग कर दिया, पेड़ बचाओ पानी बचाओ में। ऊपर क्या करूँ बारिश हो रही थी पहले ही, चलो यार मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम कर दिया है। चलो सुमित भैया को ढूंढता हूँ, सुमित भैया कहाँ गए होंगे। चलो यार चलता हूँ, थोड़ी देर में मिल जाएंगे, आज जाके ब्रेड पकौड़े खाऊंगा अंदर। बाबा ब्रेड पकौड़े बना दो थोड़े से। सुमित भैया कहाँ पर चले गए है पे तो सुमित भैया। वो दीदी लेके तो नहीं चलेगी, वो बाबा कहाँ गए, वो टर्की बाबा। टर्की बाबा तुम कहाँ गए। यार मेरे सुमित भैया को कौन उठा ले गया, और वो ऊपर कौन था, मैंने देखा गाइस, आपने देखा नहीं देखा पता नहीं। गाइस मैंने बहुत देर ढूंढा पर सुमित भैया मुझे कहीं नहीं मिले। काम करता हूँ ड्राइवर
अंकल को फोन करता हूँ जल्दी से। हेलो ट्रेवर अंकल, कहाँ पर हो? सुमित भाई को उठा ले गया। क्या कह रहे हो? मैं अभी पहुँच रहा हूँ। गाइज अभी आ रहे ट्रेवर भैया मेरी मदद करने के लिए, पर सुमित भैया कौन ले गया? वो ऊपर कौन खड़ा है? रुको यार उसको देख के आता हूँ कौन खड़ा है ऊपर, जल्दी से चलता हूँ। रुको यार अभी जाता हूँ ऊपर। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पर है? ड्राइवर भैया जल्दी ही आते होंगे, पर पता नहीं सुमित भैया कहाँ गए। मेरे को बोलेगी टॉयलेट हो या पर पता नहीं खुद कहाँ चले गए, लगता है उस लड़की के साथ चले गए। वो बंदा कहाँ पर चला गया जो ऊपर खड़ा था अभी? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। ओए सिंचन कहाँ है तू? सिंचन ओ सिंचन है। ड्राइवर अंकल आ गए। ड्राइवर अंकल क्या हुआ सिंचन? बता क्लियरली बता। क्या बताऊँ सुमित भैया और मैं यहाँ पर आए थे, हमारी गाड़ी फंस गई रेत में। हम आपके पास आ रहे थे ब्रेड पकौड़े खाने, पर पता नहीं यहाँ पर गुफा के अंदर हम दोनों रुक गए और पता नहीं कोई एक बूढ़ा आया, वो भी ठरकी और उसकी बेटी आए, और मैं टॉयलेट करने चला गया और सुमित भैया को कोई गायब ले गया, मतलब उठा के ले गया, मिल ही नहीं रहे। क्या कह रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं रहता है। क्या कह रहे हो? कोई इंसान नहीं रहता है, मतलब क्या कहना चाहते हो? इस जगह पर इंसानों का आना मना है, तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे क्या पता क्यों क्या हो गया? यहाँ पर इंसानी भेड़िए रहते जो इंसानों को खा लेते हैं पकड़ के। क्या कह रहे हो? सुमित भैया को किसी ने खा लिया? ये मैं पक्का नहीं कह सकता, पर हम अगर सुमित को ढूंढे तो वो मिल सकते हैं। बताओ कहाँ पर मिलेंगे? पताल में मिलेंगे, मैं वहाँ पर भी चलो जाऊंगा उन्हें बचाने के लिए। काफी लोगों से मैंने ये सुना है कि वो अपने खानों को एक पहाड़ी के ऊपर लेके जाके खाते। चलो वहाँ पर लेके चलो, उनमें बता तुम भेड़ियों को कि कैसे खाते हैं। पाद और मुख के उनके मुँह पर ही पाद दूंगा। चलो चलते हैं। मेरे साथ ही मैं खाना लेके आ चुका हूँ। मैं खाना लिया है मेरे सरताज, लो खाना। इतनी ज्यादा देर तुम्हें कहाँ पर लग गई थी? क्या ही बताऊँ, बहुत मुश्किलों से मैंने इस बंदे को फंसाया, अब आप इसको खा सकते हैं। तुम खा लो पहले। ठीक है सरताज, आपने इतना बड़ा हुक्म दिया है, मैं इसको पहले खा लेता हूँ। चलो खा लो। रुको, इसे थोड़ी देर। क्या हुआ मेरे सरताज? हमने काफी लोगों को ऐसे ही खाया है, पर इस इंसान को हम नींबू मिर्च छिड़क के खाएंगे, जलजीरा सब कुछ लगा के। हम भी इंसान की तरह नून मिर्च लगा के खाएंगे, क्या पता इंसानों को क्या मजा आता है। पर हमेशा से हम कच्चा खाते हैं, पर इस बार इसके ऊपर हम नींबू मिर्च लगा के खाएंगे, क्या पता कैसा स्वाद आने वाला है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या पता इसमें कैसा स्वाद आने वाला है। मेरे सरताज अब तो मजे आएंगे। सुमित भैया मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। ड्राइवर अंकल पहुँचे या नहीं पहुँचे, हम अभी तक मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लगता है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मेरे हिसाब से वही लोग जो आगे खड़े हैं। चलो अब क्या करें? उन लोगों को हम ऐसे नहीं मार सकते, हमारे पास कोई भी हथियार भी नहीं है, हम ऐसे उन लोगों को नहीं मार सकते। मेरे पास एक तरीका है, हम उन दोनों के अंदर गाड़ी ठोक देंगे, टक्कर मार के और सुमित को लेके भाग जाएंगे। चलो यार कुछ भी करो, पर सुमित भैया को हमें बचाना है। उनके अंदर टक्कर मार के या उनको कुछ भी करो, चाहे उनको ऊपर गाड़ी चाहे आ जाए उनका पाद निकाल दो, पर हमें सुमित भैया को बचाना है। भगाओ गाड़ी। ये कौन है? सुमित भैया कहाँ थे? लो इन दोनों को तो हमने मार दिया। मुझे नहीं लगता ये दोनों मर चुके होंगे, ये अभी के लिए बेहोश हुए होंगे। इनके जगने से पहले हमें सुमित भैया को यहाँ से लेके जाना होगा। ये रहा सुमित, इसको जल्दी से गाड़ी के अंदर लोड करो। सुमित भैया फ्रैंकलिन क्या हुआ? फ्रैंकलिन खड़े हो? सुमित भैया तो खड़े ही नहीं हो रहे। इसको बहुत ज्यादा चोट आई है, लगता है उसने उसको खा लिया है। क्या उन लोगों ने इसको खा लिया है? कैसे? मुंह से खाया होगा, और कैसे खाया होगा? ये कहने का मतलब अब ये जिंदा भी मर चुके हैं? ये अभी जिंदा है, इसकी धड़कने चल रही है। चलो यार जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं, रामलाल डॉक्टर के पास लेके चलो, वो उनको ठीक कर देंगे। उनको पता है कि सुमित भैया को कैसे ठीक किया जाता है पाद मार कर। ये क्या कह रहे हो तुम? सही में सुमित भैया को पाद मार दो, जग जाते हमेशा। तूने ये क्या कर दिया? मालिक मैं क्या कर सकता हूँ, आपके साथ उसने मेरे को भी जमीन पे गिर दिया, गाड़ी चला दी हम दोनों के ऊपर। ठीक है मालिक मैं जा रहा हूँ, उस इंसान को ढूंढ कर मैं वहीं पर मार दूंगा, जिंदा खा जाऊंगा उस इंसान को, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके जैसे हमारी शक्ति कभी नहीं हो सकती। आ रहा हूँ मैं इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसके साथियों को भी मैं हमेशा के लिए मार डालूंगा। आ रहा हूँ इंसान। ड्राइवर अंकल यहीं पर ये है वो डॉक्टर, जल्दी चलो अंदर चलना है। सुमित भैया जल्दी से अंदर लेके चलो, जल्दी अंदर ही घुसा दो बिल्कुल ही। चलो यहीं पर उतार देता हूँ। रामलाल डॉक्टर ये क्या हो गया? क्या हो गया? सुमित भैया को वेयरवुल्फ खा गई। क्या कह रहे हो? वेयरवुल्फ को खाया हो तो कभी जिंदा नहीं रहता। ये मुझे नहीं पता, जल्दी इसको ठीक करो। ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। मैं
मैं उन भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगा, रुको मैं अपनी सारी खतरनाक बंदूकें निकाल लेता हूँ, उन लोगों को मैं जिंदा ही मार दूंगा, रुको अपनी बंदूक लिए मैं निकाल लेता हूँ, क्या भी उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ तुम लोगों को मैं जिंदा ही मार डालूंगा, आओ कौन सा आएगा मुझसे लड़ने के लिए, ये ट्रेवर शपथ लेता है कि सुमित की रक्षा करेगा, अभी रुको वो इंसान तुम लोगों को मैं जिंदा खा जाऊंगा, रुको यही कही होनी चाहिए, यही इंसान है तुम लोगों में, सुमित भैया को बचाओ कोई, तुम लोगों में सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ मैं सबको मारने के लिए, वापस आ रहा हूँ मारने के लिए, कहीं नहीं गया हूँ मैं, तुम लोगों को जिंदा खा जाऊंगा, आ रहा हूँ मैं मारने के लिए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ट्रेवर अंकल तो मर गए लगता है, मरे नहीं है शायद, ये बेहोश हो गए, आ जा तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मार ले तू भी मार ले बच्चे, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, रुक जा अभी तेरे को मैं बताता हूँ, मैं अपनी खतरनाक बंदूक निकालता हूँ, रुको यार इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे नहीं मरेगा ये, मेरे ऊपर कोई भी इंसान बोला गुरुद को कोई भी असर नहीं होता, रुक जा अभी बताता हूँ किसके ऊपर कैसा असर नहीं होता है, बेटे ऐसे ही तुम मरोगे, अभी रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ, तुम्हारे सुमित भैया को कैसे हार्म पहुंचाएगा, ले मशीन गन खा, ले तोप खा, जो भी खाएगा वो खा ले, मिल लेगा मेरा पाद भी खा ले, पर तू मर जा रहे, क्या खा के आया है घर से, शिमला मिर्च के पकौड़े मर जा रहे, क्यों मगनी मर रहा है, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, मर जा प्लीज, बहुत कर लिया मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, सुमित भैया प्लीज, सुमित भैया मुझे बचाओ, सुमित भैया मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, सुमित भैया सिंचैन मैं आ रहा हूँ।